हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओनर्स इंग्लिश। आज हम क्लास टेंथ की एक पोएम हाउ टू विल्ड एनिमल्स करने जा रहे हैं, जिसे कैरोलिन वेल्स ने लिखा था। हम इससे पहले 3 पोएम्स और कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर जो लिंक मिलेगा उससे भी देख सकते हैं। इस पोएम के अंदर पोइट कह रहा है कि यदि आप बाय चांस एशिया के जंगलों में जाते हैं तो आप वहाँ पर अजीब अजीब टाइप के जानवर देखेंगे, और आपको मैं उनकी पहचान बताऊँगा जिससे आप उन एनिमल्स को पहचानने में हेल्पफुल रहोगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारी इस इंटरेस्टिंग पोएम को शुरू करते हैं। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, यदि आप बाय चांस एशिया के पूर्व जंगलों में कभी चले जाएंगे, एंड इफ़ देयर शुड बी यू एडवांस ए लार्ज एंड ट्विनी बीस्ट, बीस्ट का मतलब होता है जानवर, और यदि आपको वहाँ पर एक जानवर दिखे जिसका पीला भूरा रंग हो, ट्विनी का मतलब होता है पीला भूरा रंग, यानी कि जिसका पीला भूरा रंग हो, इफ़ ही रोर्स, रोर्स का मतलब होता है गरजना, यदि वह गरजता है एट यू आप पर, As you are dying, तो आप मर रहे हैं, You will now it is Asian lion, तो आप जान जाएंगे कि यह Asian शेर है। तो चलिए फिर से इन लाइनों को देख लेते हैं। यदि आपको एशिया के जंगलों में जाने का कभी मौका मिले तो वहाँ पर आप एक एनिमल देखोगे जिसका रंग पीला भूरा होगा, और वह आप पर गरजेगा, और आप सोचोगे कि मैं डर से मर रहा हूँ, तो वह एशियन लॉयन होगा। और इफ़ सम टाइम यू विल रोमिंग राउंड, रोमिंग का मतलब होता है इधर उधर भटकना, ये और कभी यदि आप इधर उधर घूम रहे हो, ए नोबल विल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, तो आपको एक श्रेष्ठ जंगली जानवर मिलेगा जो आपका स्वागत करेगा। ग्रीट्स का मतलब होता है स्वागत करना। विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड, येलो ग्राउंड का मतलब उसका जो शरीर का रंग है वो येलो है, और ब्लैक स्ट्रिप्स इसका मतलब उसके शरीर पर काले धब्बे हैं। तो जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, तो तुम नोटिस करना यदि वह तुमको खाएगा, दिस सिंपल रूल, यह सिंपल रूल है, मे हेल्प यू लर्न, यह आपको समझने में मदद करेगा, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि बंगाल टाइगर को आप देख रहे हैं अपनी आँखों से। तो इस पूरे पैराग्राफ को दोबारा से देख लेते हैं। यदि कभी जंगल में इधर उधर घूमते हुए आपको एक श्रेष्ठ जानवर मिलता है और वो आपका स्वागत करता है, और जिसके शरीर पर काले रंग के धब्बे हैं और उसका शरीर पीले रंग का है, तो आप नोटिस कर लेना यदि वह आपको खाएगा तो आप समझ जाओगे कि बंगाल टाइगर आपके सामने आ चुका है। इस ट्रोलिंग फोर्थ, यदि आप कभी जंगल में भ्रमण कर रहे हो, ए बीस्ट यू व्यू, आप एक जानवर देखते हो, वूज हिड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, जो कि काले रंग के धब्बों से ढका हुआ है, एज सुन एज ही लेप्ट ऑन यू, तो जल्द ही वह आपके ऊपर छलांग लगाएगा, यू विल नाउ इट इज लेपर्ड, उसके बाद आप जान जाओगे यह एक तेंदुआ है, दिस विल डू नो गुड टू रोयर विद पेन, आपके लिए अच्छा नहीं होगा कि आप दर्द से चिल्लाएंगे, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वह दोबारा से बार बार आपके ऊपर छलांग लगाएगा, यानी कि आपको खाने के लिए वह आपके ऊपर बार बार से आकर गिरेगा। तो एक बार फिर से इस पैराग्राफ को देख लेते हैं। यदि आप कभी जंगल में घूम रहे हैं और आप एक ऐसे जानवर को देखते हैं जिसकी खाल निशानों से धब्बों से ढकी हुई है, और उसके बाद वह आपके ऊपर छलांग लगाता है, तो आप समझ जाओगे कि यह तेंदुआ है, और आपको दर्द से कहराने का कोई लाभ भी नहीं होगा क्योंकि वह आपको बार बार खाता रहेगा। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि कभी आप अपने आंगन में टहल रहे हो, यू मीट ए क्रिएचर्स देयर, तो वहाँ पर आप एक ऐसे प्राणी से मिलोगे, वो हग यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बिल्कुल बिल्कुल कसके गले लगाएगा, बी श्योर इट इज़ ए बियर, तो आप समझ जाना कि यह एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको कोई डाउट हो, आई गैसेज ही विल गिव यू जस्ट वन मोर
केयरस, तो वह एक बार फिर से आपको गले लगाएगा प्यार से। चलिए फिर से पैराग्राफ को देख लेते हैं। यदि आप कभी अपने आंगन में घूम रहे हो तो आपको ऐसा प्राणी मिलेगा जो आपको बिल्कुल कस के गले लगाएगा, तो आप समझ जाना कि यह भालू है। यदि फिर भी आपको डाउट हो तो वो एक बार फिर से आपको बड़े केयर से, बड़े प्यार से छुएगा, तो आप समझ जाना कि यह भालू ही है। दाउ टू डिस्टिंग्यूज बिट्स ऑफ प्रे, आप शिकारी जानवरों में उलझ जाएंगे, अंतर नहीं कर सकेंगे। ए नोविस माइट नोन प्लस, क्योंकि आप एक नौसिखिया है, यानी कि किसी जिसको जानवरों के बारे में नहीं पता होता, किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता और उनको जानने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो नौसिखिया होता है। तो आप नौसिखिया होने के कारण उलझ जाएंगे। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे, जो क्रोकोडाइल होता है वो हमेशा टेल फ्रॉम द हाइना दस, वो हाइना जैसा दिखता है, लकड़बग्गे जैसा दिखता है। हाइना कम्स विद मैरी स्माइल्स, हाइना सदा हंसते हुए आता है। बट इफ़ दे वीप्स दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन यदि वह रोता हुआ आए तो वह क्रोकोडाइल होगा। आपने यह कहावत तो सुनी होगी, मगरमच्छ के आंसू बहाना, तो इसी तरह से मगरमच्छ आंसू बहाते हुए आते हैं और अपने शिकार को खा जाते हैं, तो इसीलिए यह कहावत फेमस है। तो आप क्या करोगे, जो हाइना है और क्रोकोडाइल है उसमें कैसे डिफरेंस करोगे कि हाइना है वो हंसते हुए आएगा और क्रोकोडाइल रोते हुए। चलिए फिर से इस पैराग्राफ को देख लेते हैं कि जब आप शिकारी जानवरों में अंतर करोगे तो आपको उलझन आएगी, क्योंकि आप एक नोविस है, नौसिखिया है। यदि आप क्रोकोडाइल को और हाइना को देखोगे तो वो एक जैसे दिखेंगे, लेकिन हाइना स्माइल करता हुआ आएगा और क्रोकोडाइल रोता हुआ। द ट्रू सैल्मन इज स्मॉल, कि असली गिरगिट जो होता है वो छोटा होता है। ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, वह एक छिपकली की तरह दिखाई देता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान नहीं होते। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और उसके पंख भी नहीं होते। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन ट्री, यदि किसी पेड़ पर कुछ भी नहीं होता, दिस द चैलेमन यू सी, वहाँ पर आप गिरगिट को देख सकते हो। यानी कि जो गिरगिट होता है वह पेड़ के जैसे रंग का होता है, तो इसीलिए यदि वह पेड़ पर बैठता है तो वह अपना रंग पेड़ की तरह कर लेता है, क्योंकि गिरगिट रंग बदलते हैं, तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो फिर से इस पूरे पैराग्राफ को देख लेते हैं। यदि आपको वास्तविक चैलेमन देखना है तो वह छिपकली की तरह छोटा होता है और उसके कान नहीं होते, ना ही उसके पंख होते हैं। वो आपको ऐसे पेड़ पर बैठा मिलेगा जहाँ पर कुछ भी नहीं होता। और इन्हीं लाइंस के साथ हमारी आज की पोएम कंप्लीट हुई। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।